तो गाइस सनसेट होने वाला है, और सनसेट में पहली बार, सनसेट होने से पहले पहले हम पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोगों को डिनर बनाना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि यहाँ पर थोड़े बहुत कीटाणु, अजीब से कीटाणु घूम रहे हैं जो हमारी गाड़ी के अंदर ना घुस जाएँ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम लाइट जलाएँ, लाइट जलाएँगे फिर ही लाइट जलाएँगे तो वो सारे कीटाणु अंदर घुस जाएंगे, और घुसने के बाद फिर हम रात को ढंग से सो नहीं पाएंगे तो अगले दिन हम कुछ भी एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं एक्साइटेड हूँ कि पहली बार आज हम लोग बर्गर बनाने जा रहे हैं, और बर्गर भी आज हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स एक्चुअली हैं, जैसे कि ये आलू हम लोगों ने उबाल लिए हैं, और इधर मैडम आज लगा ली हैं कॉर्न स्टार्च मिक्स करेंगी, ये पता नहीं कैसे करती है, क्या नहीं करती है, क्या नहीं करेगी, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कैसे बनते हैं ये। और ये हमारे पास ब्रेड क्रम्स हैं जिससे क्रंची सी आलू की पेटीज़, हाँ पेटीज़ कहते हैं ना, नहीं पैटीज उसको किसी और को कहते हैं, इसको नहीं कहते हैं आलू, आलू बर्गर बना रहे हैं, आलू टिक्की, आलू बर्गर, टिक्की बर्गर, बर्गर राइट, ठीक है भाई, इंग्लिश हमारी कमज़ोर है, किसी को अगर जो मैंने कहा पैटीज उस पर हंसी आ रहे तो प्लीज़ हंसना जरूर, और कमेंट में करके बताना कि हाँ उसको कहते क्या है कि नहीं उसको बर्गर ही कहते हैं, बर्गर तो कहते ही हैं, बर्गर बंस नहीं, मतलब जो अंदर टिक्की लगती हो नॉर्मली हिंदी में तो हम आलू टिक्की कहते हैं, उसको पैटीज कहते हैं, उसको पैटीज ही कहते हैं ना, बर्गर पैटीज ही कहते हैं ना, बर्गर पैटीज ही, देख लिया इसने, मतलब अभी देख लो रिकॉर्ड पे मेरे को ये मतलब बेवकूफ बना देती है, नहीं मैं कंफ्यूज हो गई थी। तो ये अपनी पहली बर्गर टिक्की तैयार होने जा रही है, कैसे तैयार हो रही भाई आप देख लो, ये कॉर्न स्टार्च है जिसमें इसने डिप किया, अब ये ब्रेड क्रम्स, तो देखते हैं क्रंची बनती है या क्या होता है क्या नहीं होता, ब्रेड क्रम्स हमारे पास और पड़े हैं, सच को टेंशन वाली बात नहीं है, एक्सपेरिमेंट ही है, अब देखो वैसे क्रंची तो बननी चाहिए, अब इसको स्लो गैस पे, ये ना ऊपर से ब्रेड क्रम्स जल जाए ना, हो सकता है ऐसे, गैस मैंने बंद कर दी है, तेल गरम करके उसमें देखते हैं, चलो देखते हैं भाई, ओके तो ऐसा कुछ सीन है, देखते हैं भाई क्या बनता है। तो भाई ये पलटा, अभी भी है थोड़ा कमी, टूटे ना बस पलट दो, टूटे ना और तुम्हारे ऊपर छींटे ना पड़े, ये ध्यान रखना, ए ओके सही है, थोड़ा इधर से क्रंची करना पड़ेगा, और कर लेंगे वो तो भाई, एक बार वो पकड़ लेना उसको, गोल्डन ब्राउन हो जाए थोड़ा। तो भाई ये हमारी पहली बर्गर पेटी, थोड़ी सी कमी है इसमें, अभी मैं दूसरी वाली सही करती हूँ, टेस्ट में कमी नहीं होनी चाहिए, सही है, तो इसको रखते हैं यहाँ पर क्योंकि हवा चल रही है ठंडी, तो इसको हम इसमें बंद रखेंगे जिससे कि ये ठंडी ना हो जाए। तो गाइज ये देखिए प्रॉपर सनसेट आज हम लोग कैप्चर कर पाए, नहीं ज़्यादातर हम लोग कभी खाना बनाने में बिजी होते हैं कभी कुछ, इतना खूबसूरत दृश्य है ये देखिए, मतलब कैमरा कभी इसको जज नहीं कर सकता, जितना सुंदर ये हमें दिख रहा है उतना सुंदर शायद आपको ना दिखे, बट सही टाइम पे आज कैप्चर कर लिया मैंने। और इधर अपना काम जारी है, बर्गर बनाने की प्रक्रिया चल रही है, आज मैं कुछ नहीं कर रहा, श्रीमती जी खिलाएंगी बर्गर आज, और इधर आसपास के नज़ारे देख लो ज़रा, आसमान बिल्कुल नीला है, और उधर स्नो पीक्स थी वो अब उसके ऊपर थोड़े थोड़े बादल आ गए हैं, वो अब नज़र नहीं आ रही, सुबह नज़र आ रही थी, और इधर भी थोड़े थोड़े बादल की जो लेयर है वो शुरू हो चुकी है, और हमें भी ठंड लगना शुरू हो गई है, काफ़ी ठंडा इलाका है ये। हो रही है तैयारी हमारे बर्गर बंस को फाइनल स्टेज पे पहुंचाने की, जिसमें लगे हैं चौधरी जी, देसी घी का तड़का लगा रहे हैं, ओके अंदर से भी करना था वैसे, अंदर से तो तुम वो लगा दोगे ना, बाहर से बस, अंदर से तो बहुत कुछ माल पड़ा है हमारे पास। तो भाई ये हमारी कौन सी है, ये नाम भूल जाता हूँ मैं इसका, तंदूरी मायोनेज़, ठीक तंदूरी मायो नहीं, मायो नहीं, तंदूरी जो बर्गर क्रीम कहते थे उसको, पता नहीं बाहर को ऐसे कुछ कहते थे ना, तंदूरी सॉस है बेसिकली, तंदूरी सॉस नहीं बाहर भी होती थी ये, इटली में भी मुझे याद है, शेडार कहते थे, शेडार तंदूरी, शेडार, शेडार कहते थे, शेडार चीज होता था वो एक्चुअली, हम जो यूज करते थे, इसका टेस्ट उससे सिमिलर है, यहाँ पर इसको तंदूरी मायोनेज़े कहते हैं, और ये तो एक लेयर इसकी लगा दी मैंने, दोनों साइड पे लगाऊं,
हाँ दोनों साइड पे लगाओ तभी स्वाद लगेगी, तभी स्वाद लगेगी। चलो बाहर जितनी चीटिंग कर सकते हैं कर लेते हैं ना, घर जाके करेंगे जो करना है। कोई बात होती नहीं एक्चुअली, भूख ही इतनी लगती है बंदा क्या क्या चीजें अवॉइड करे। आप पता नहीं ये लोग, मुझे ये नहीं, आप बताना जो लोग कैंपिंग करते हैं स्पेशली, कि ये हमारे साथ ही है कि जब कैंपिंग करते हो सफर करते हो तो भूख ज्यादा लगती है, पता नहीं क्यों, किस किस के साथ हुआ है ये हमें एक बार बताएं जरूर। कि या फिर वो दिल करता है, मेरा तो दिल नहीं करता, मेरे तो पेट में गुड़गुड़ होने लगती है 9-10 बजे सुबह। मतलब बाहर ना चाय की तलब बहुत उठती है बार बार। हाँ वो तो सबके उठती है भाई, नींद वींद ना आए ना इसलिए। तो ये रहा अपना थोड़ा बहुत प्याज, बाकी और काट लेना कम पड़ गया ये उसमें से ले लो दूसरे वाले में से। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये वाला सही है। ये टमाटर, हियर यू गो 2-3, इतना बनाएंगे कि बाहर ना निकले ना। हाँ। वो मुंह गंदा हो जाता सारा, मुझे नहीं अच्छा लगता। और अब बचा क्या, चीज और हमारी आलू टिक्की। सच वो तो रह गई, पहले वो लगाता हूँ ना, मैं तो भूल ही गया उसको। टिक्की भूल गए थे और क्या। तो ये गया भाई हमारा ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स, अब सीधे मुंह में जाना चाहिए, जल्दी खा लो इसको क्योंकि अब अंधेरा हो गया, मुझे कीड़े मकोड़ों का डर है कि कहीं वही ना जल्दी इकट्ठे हो जाए, लाइट जलानी पड़ेगी हमको। जल्दी खाओ, अब हम खाते हैं और तुम हमको देखो। अच्छा तू खाएगी, चल तू खा ले। ओके बड़े भयंकर तरीके से खा रही हो तुम तो इसको। हाँ मजा आया, चलो भाई करो एंजॉय। फाइनली पहली बार बर्गर बना के खा ली हमने, बस कर दो तो, इतना बड़ा मुंह खोल रही है तो। हाँ वैसे बंस बड़े हैं ना ये। बर्गर्स की यही कमी होती है, जब भी हम पहले मैकडॉनल्ड्स जाते थे आई रिमेम्बर, सारे फ्रेंड्स के सामने पूरा इतना बड़ा मुंह खोलना पड़ता था, कभी यहाँ से निकल रहा है कभी यहाँ से निकल रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो सुबह हो चुकी है और सिमरन जी चाय का नियोजन कर रही हैं, हम ब्रश ब्रश कर चुके हैं, फ्रेश भी हो चुके हैं, और अफसोस की बात यह है कि लोकेशन बहुत अच्छी है बट हमें इसके छोड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि हमें रात को थोड़ी बहुत मच्छर मक्खियों की परेशानी हुई यहाँ पर, इसलिए अभी तैयार होते हैं और निकलते हैं अगली लोकेशन की तरफ चाय पानी पी के, और कोशिश करूँगा आपको यहाँ की सनराइज़ दिखाऊँ, सनराइज़ बहुत अच्छी है और शायद कुछ स्नो पीक्स भी आपको यहाँ से नज़र आ जाए। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। बढ़िया नींद आई? हाँ। तो अभी मैडम ने सुबह सुबह मेन्यू डिसाइड कर लिया है, वो सामने राजमा भिगो के रख दिए हम लोगों ने कि अगला जो भी डिनर होगा हमारा वो राजमा ही करेंगे, और चाय आई थिंक बंद कर दो अब। हाँ हो गई होगी। तो हम लोग अब अकेले हैं, अनुपम जी हमारे साथ थे पहले, वो भी हमें छोड़ के चले गए, तबीयत ख़राब हो गई उनकी वाइफ की। उसके बाद नीरज जी ऑफकोर्स जाहिर सी बात है, जॉब ऑफिस, और अनुपम जी का भी घर पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और अब हम बचे हैं अकेले। तो अब हम स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो कर सकते हैं क्योंकि नीरज जी जो हमारे दिल्ली वाले हैं उन्होंने तो बहुत खिलाया हमें, चाय पकौड़े पूरा जो कहते रहे वो दिल्ली वाला स्ट्रीट फूड वाला काम हो गया था अपना। तो एनी हाउ वो भी सही था, एक दूसरे की कंपनी के साथ ही हम लोग इन्जॉय करते हैं। तो अब हम लोगों की ऐसी हैबिट है नहीं कि अगर हम डाइट पे और कोई खाने वाला है तो हम उसको मना ही करते रहे, नहीं 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 नहीं, नहीं नखरे नहीं करते हम। ठीक है इट्स ओके, एक टाइम ड्यूरेशन होता है 2-4 दिन कोई बात नहीं। जब आप अकेले होते हो तो फिर आपको जो डाइट फॉलो करने का मौका मिलता है। तो 2 दिन चीटिंग कर ली और बाकी के 4 दिन अगर आप डाइट फॉलो कर लो तो बैलेंस आ रहता है। तो अभी पीते हैं चाय इस अच्छे से व्यू के साथ, सूर्य देवता उधर सामने नज़र तो आ रहे थे बट थोड़े से बादल होने की वजह से शर्मा गए, छुप गए सूर्य देवता, बादल है नहीं हो आज ना, इधर सारा नीचे बादल ही बादल है। कोई बात नहीं, आ गई तो आ गई, फिर क्या कर सकते हैं, सब कुछ फेस करना पड़ता है कैंपर्स को ना। यार हमने तो कितनी बार बारिश में कैंपिंग की है, खाना बनाओ फटाफट। हाँ हमें ये प्रॉफिट है कि सीधे गाड़ी के अंदर हम लोग चले जाते हैं, सिटिंग एडवांटेज है हमारी गाड़ी में, बहुत फायदे हैं। ये एडवांटेज तो है अपने सेटअप की भाई, अंदर कुक भी कर सकते हैं, अंदर बैठ भी सकते हैं, भले 3-3 घंटे 4-4 घंटे बारिश आ जाए कोई चक्कर नहीं है, वो निकलने वाले सूर्य देवता ना। हाँ मजा आ गया, नमकीन ले आओ थोड़ी सी, बिस्किट वगैरह है नहीं, बिस्किट भी है, बिस्किट चल वो रहने, मीठे हैं सुबह सुबह यही खा लेते हैं। चाय ले आओ अपनी। हाँ 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 हाँ
अदरक मजा आ जाता है ना, गले को चीरता जाता है अदरक। ज्यादा डल गया? हाँ ज्यादा डल गया, पर वही तो सही है, मेरे को वही अच्छा लगता है। नहीं फिर वो दूसरे मसाले भी होते हैं ना, तो उसका भी थोड़ा बहुत आता है वो। आप लोग भी ट्राई करना, हम लोग चाय में क्या क्या डालते हैं रिपीट कर दो। एक तो हम ग्रीन टी डालते हैं, नहीं आपने अगर ग्रीन टी नहीं डालनी, आप दूध वाली चाय पी रहे हो, तो जो मसाले हम डालते हैं, एक तो अदरक होती है, वो एसेंशियल है हमारे लिए। उसके अलावा जो मसाला हमने तैयार किया है वो है कलौंजी, सौंफ, मेथे, अब डिपेंड करता है, आप अलसी और अजवाइन भी डाल सकते हो। अजवाइन हम लोगों ने डाली है, अजवाइन डाली हमने, अजवाइन कहते हैं ना उसको, अजवाइन। तो इतना कुछ डाल के हम लोगों ने अपनी ये चाय तैयार की है, वो रेडीमेड नहीं ली है। ग्रीन टी भी अपनी वो वाली है जो उत्तरांचल उत्तराखंड के चंपावत चाय बागान से ली थी, वहां से ली थी वो वाली ग्रीन टी है हमारी। और ये नमकीन हम लोगों ने तैयार किया कैसे, क्या था इसके अंदर, पोहा टाइप क्या होता है ये? इसमें है, एक तो है पोहा और साथ में वो मुरमुरे होते हैं। हाँ मुरमुरे होते हैं, मूंगफली है और वो एक येलो वाली नमकीन आती है, बेसन की होती है। हाँ, वही इसमें सॉल्ट है, वो सॉल्ट के लिए वही है बस। हाँ नॉर्मल वाली है वो, मतलब आलू भुजिया नहीं है, तीखी नहीं है, बिल्कुल नमक वाली है बस। सो गाइज, इस ब्यूटीफुल सी लोकेशन को छोड़ के अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपनी अगली लोकेशन के लिए। मीनवाइल चौधरी जी गाड़ी बैक कर रहे हैं और मुझे इनको गाड़ी बैक करवानी पड़ेगी क्योंकि बहुत बार डिज़ास्टर कर देते हैं, इनको थोड़ा बहुत अंदाज़ा नहीं रहता क्योंकि यहाँ पे नीचे जाके एक पैच है जो थोड़ा सा गंदा आया, मतलब थोड़ा सा ऊपर है रोड, मतलब तो इस वजह से हमें सेफली इसको नीचे लैंड करवाना पड़ेगा। तो मैं चौधरी जी की हेल्प करती हूँ ताकि कोई एडवेंचर ना हो जाए यहाँ पे हमारे साथ। आ जाओ, मोड़ लो, पीछे करके मोड़ लो थोड़ा सा, ठीक है बस। तो गाइज अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और जाने से पहले एक बार आपको लोकेशन बताना चाहेंगे। श्रीमती जी बताना लोकेशन क्या थी, ऑन मैप कौन सी है? बलानू द बिसोई विलेज में आपको ये लोकेशन मिलेगी। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये जो लोकेशन है ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो आने वाले टाइम में होटल बन जाएगी। और कब तक आपके लिए ये कैंपिंग यहाँ पर अलाउ करेंगे इसके बारे में हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ के हालात देख के लग रहे हैं कि यहाँ पर शायद अगले एक साल तक ये फ्री है, तो आप यहाँ पर आ सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। और क्यों आना चाहिए, यहाँ पर आपको एक तो बिल्कुल पीस आउट जगह मिलेगी, कोई भी आपको डिस्टर्ब करना नहीं था, इवन यहाँ पर डॉग्स तक नहीं आए। हर जगह लोकेशन पर आपको पहाड़ों में डॉग तो आपके आसपास आ ही जाते हैं, यहाँ पर कोई डॉग्स भी नहीं आए। और सिर्फ एक घर था। और यहाँ पर आना क्यों चाहिए, तो ये आप देख लो, ऐसा कुछ आपको वैली व्यू मिलता है और जो रोड हैं वो सारी जिगजैग टाइप वाली हैं। तो मेरे हिसाब से आपको एटलीस्ट रेयर व्हील ड्राइव टाइप कुछ चाहिए क्योंकि रास्ता ऐसा है, देख लो आप गाड़ी खड़ी है हमारी, ऊपर बिल्कुल स्टीप रास्ता जाएगा, मतलब चढ़ाई है जो बिल्कुल स्टीप है और साइड पे ये थोड़ा सा, अगर आपकी गाड़ी नीचे आ जाती है तो टायर यहाँ नीचे, आप अगर टायर नीचे आ गया तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। तो अभी चलते हैं हम अगली लोकेशन की तरफ। देखो कितनी खूबसूरत, भाई जाने का दिल तो नहीं कर रहा, पर हमें यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आई, पता नहीं वो बारिश की वजह से किस वजह के, मच्छी कर रहा हूँ मतलब वो मक्खी और मच्छर ये थे। और यहाँ के जो एक ही बंदा हमें मिला उसने कहा कि यहाँ पर प्रॉब्लम है बारिश की वजह से, कि बारिश होके हटी है उसी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ओके हियर आई गो, श्रीमती जी कैमरा पकड़िए, अब चलते हैं अपनी अगली लोकेशन पर।